बटाला के गांधी चौंक के नज़दीक अमृतसर रोड से मौजूद मोहरी शाह के पेट्रोल पंप से गोली चली है। गोली चलन का कारण दसया जा रहा है कि गड्डी विच तेल पवाउण तो बाद तेल की परची मंगन नूं लैके विवाद होया सी। सूत्रां दे हवाले तो पता चलिया कि गोली चलाउण वाला वार्ड नंबर 29 भाजपा के साबका कौंसलर का बेटा है। पेट्रोल पंप के मुलाजम कुलवंत सिंह अनुसार दो नौजवान अपनी गड्डी उत्ते सवार होकर पंप उत्ते तेल पवाउण लई देर शाम आए तो तेल पवाउण तो बाद उन्हां नौजवानां वल्लों तेल की परची मंगी गई तो मैं उन्हां नूं कहा कि परची इस वेले नहीं मिल सकती। बस इस गल नूं लैके वह नौजवान बहसबाजी करन लगे अते एक नौजवान ने रिवॉल्वर कढ लिया। रिवॉल्वर वाले नौजवान ने एक फायर कर दिता। गनीमत रही कि फायर मैनू नहीं लग्या। उस तो बाद सूचना मिलन ते पुलिस मौके ते पहुँच गई। गल ये यार पेट्रोल पाउण आए ही तो परची मंगी तो मैं परची नहीं निकलनी तो इन चपेड़ा मारनिया शुरू करती हैं तो मुड़के ने पिस्तौल कढ लिया मैं डंडा कढ लिया। पुलिस जो गोली का खड़ाक सुनया तो पुलिस जी चौंक तो इधर आ गई। एक फायर होया है बोल जरा पुलिस वाले मिल गया। दो मुंडे ही कार उत्ते आए ही। हाँ जी नहीं शहर के ही मुंडे। हाँ शराब पीती दो ने जरा जिन्हें गोली चलाई उन्हें रजिया है पूरा। हाँ जी ये बाबू जी आवे तो आपे कार्रवाई करे। बस यो जी धमके देने पैसे भी पाया वो उत्थे बटाला पुलिस के DSP ललित कुमार ने घटना बारे दसदे हुए उही रटिया रटाया जवाब दिता कि पुलिस जांच कर रही है अते जांच के आधार पर बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 7:55 का समा से जी तो नितिन ने अपनी ऐसी तेल पाने वास्ते जी फिर गड्डी से तेल पाया इन्हें जी उसको पर्ची मंगी है जी जो पुछगिछ के मुताबिक जा रहा पर्ची मंगी पर्ची तो ना किसी नितिन चपेड़ मारी है जी तो डांग लैके लाया जो वर्डिंग तफ्तीश नहीं करना जी तो इन्हें फिर गोली चलाई है जी। सो पंप से गोली चलना गलत आ रहा है कि कोई भी घटना हो सकती। हाँ जी हाँ जी बोलो शराबी मात्रा चेक की करांगे सारा जो मेडिकल रिपोर्ट होगी वेख लांगे। ठीक है।